लेकिन देश के अंदर कानून का राज है, हमें किसी भी दोषी को कोई भी सजा तक पहुंचाना है तो उसका रास्ता कानून ही हो सकता है। और कानून में बहुत सारे संरक्षण होते हैं, अपराधी के लिए भी होते हैं, या हम किसी को जब तक सजा हो ना जाए तब तक उसे अपराधी मानते नहीं हैं। तो एक जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेक्शंस भी मिलते हैं, कई बार कुछ अड़चनें भी आती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सत्यमेव जयते सत्य की हमेशा जीत होती है। और पूरा देश, ये जो तमाम घटनाएं हुई, चाहे हैदराबाद की हो, उन्नाव की हो, या इससे पहले की जो भी घटनाएं हो, उससे पूरा देश आहत हुआ है और पूरे देश के अंदर एक गुस्सा, एक आक्रोश पैदा हुआ है। हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस विषय पर बहुत चर्चा की और अभी अपने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ 600 के करीब वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, 1000 के लगभग फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की जा रही हैं, हर थाने के अंदर महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रावधान सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि एक आम महिला के साथ, एक आम बेटी के साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो कम से कम दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से मजबूत हो, स्ट्रेंथन्ड हो और उसके लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो ये सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, हम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निरंतर हम प्रयास करते हैं कि वो सिस्टम मजबूत हो। सबसे बड़ी बात, मतलब आपके शब्दों में हम क्या माने कि उन्हें अब हर शब्दों में हम क्या माने कि उन्हें अब हर हालत में उन्हें फांसी दे देना चाहिए? बिल्कुल, मेरे शब्दों में तो मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि जब तक ऐसे लोगों को हम फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस देश के अंदर जो ऐसा अपराध करने की मंशा रखते हैं उन लोगों के मन में भय उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक भय उत्पन्न नहीं होगा, ऐसी घटनाएं महिलाओं के विरुद्ध होती रहेंगी। लेकिन कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और हम आप ये तय नहीं कर सकते, ये हमारे देश की न्यायपालिका को तय करना है। और मुझे लगता है कि आज हर कोई इस विषय पर गंभीर है, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी पुलिस हो, या हमारी मीडिया हो, और हम सारे लोग मिलकर इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे भी। और ये होगा, ड्राइवर है, ये छोटे मोटे जनरली जो भर्तियां शुरू हुई हैं ये प्राइवेट एजेंसीज के जरिए होती हैं। तो जब आउटसोर्सिंग के जरिए हम ये छोटी मोटी नौकरियां देते हैं तो उसमें जो एक आरक्षण की नीति है जिसका सारे सरकारी उपक्रमों में पालन होता है, उसका आउटसोर्सिंग में पालन नहीं हो पाता है। और बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आउटसोर्सिंग में आरक्षण नीति के पालन के लिए सरकार ने आदेशित किया है। तो इस विषय को भी हम पार्लियामेंट में और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने प्रमुखता से उठा रहे हैं कि राज्य सरकारों से इस विषय पर संवाद कायम हो और आउटसोर्सिंग के जरिए जो भी भर्तियाँ की जाए, छोटी मोटी नौकरियाँ जो हैं, इसमें जो एक हमारे संविधान की व्यवस्था है उसका पालन किया जाए। क्या मानते हैं आपकी?